देश में गेहूं की कीमत पर काबू करने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके तहत एफसीआई के स्टॉक से खुले बाजार में 15 से 20 लाख टन गेहूं बेचने की तैयारी है। इससे गेहूं की कीमतों में कमी आने की संभावना है। खुली बाजार बिक्री योजना यानी ओएमएसएस के तहत आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए ये गेहूं निकाला जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार 27 दिसंबर को गेहूं का औसत खुदरा मूल्य 32.25 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो एक साल पहले की अवधि में 28.53 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है। गेहूं के आटे की कीमत भी एक साल पहले के 31.74 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में अब 37.25 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है। ओएमएसएस नीति के तहत सरकार समय समय पर थोक उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए सरकारी उपक्रम एफसीआई को अनुमति देती है। इसका उद्देश्य मौसमी मांग के आधार पर सप्लाई को बढ़ाना और सामान्य खुले बाजार में कीमतों को कम करना है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य मंत्रालय ने गेहूं के संदर्भ में वर्ष 2023 के लिए एक ओएमएसएस नीति पेश की है। इसके तहत थोक उपयोगकर्ताओं के लिए एफसीआई से 15 से 20 लाख टन अनाज जारी करने की योजना है। वहीं गेहूं की एफसीआई से के भंडार से जारी करने की भी खबरें निकलकर आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी दर तय नहीं की गई है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक ओएमएसएस के तहत गेहूं जारी कर किए जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार के पास इस खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा नए गेहूं की फसल की संभावना बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक इसकी खेती का कुल रकबा अधिक है। यहां तक कि आटा मिलों ने खुले बाजार में गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार से एफसीआई गोदामों से गेहूं के स्टॉक को बाजार में लाने की मांग भी की है। वहीं खुले बाजार में गेहूं की कमी की वजह से गेहूं और आटे की थोक तथा खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 15 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था। सप्लाई की कमी का मेन कारण मुख्य रूप से फसल वर्ष 2021-22 में गेहूं उत्पादन घटकर 10,68,04,000 टन रह जाना है, जो पिछले साल 10,95,09,000 टन था। नई गेहूं फसल की खरीद अप्रैल 2023 से शुरू होगी। अब ऐसे में बाजार अनुमान लगा रहा है कि अगर खुले बाजार में गेहूं को बेचा जाता है तो गेहूं की कीमतों में गिरावट आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।